हैदराबाद एनकाउंटर पर एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है। जी हां, एनकाउंटर की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने संज्ञान लेते हुए आदेश दिए हैं, एनकाउंटर की जांच हो। हैदराबाद एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आज जिस तरह से चार आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में यह एनकाउंटर किया है, अब एनएचआरसी जो है उसने संज्ञान लेते हुए मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि हैदराबाद पुलिस का जो कहना है कि आरोपी जो है वो भागने की कोशिश कर रहे थे, हम सीन रिक्रिएट करने की कोशिश के लिए पहुंचे थे, वहां पर चारों आरोपियों को ले गए थे, हथियार छीन लिया और भागने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। अब एनएचआरसी ने जो है इस मामले पर संज्ञान लेते हुए, क्योंकि मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही थी, शायद इंसाफ यही होना था, शायद मौत की सजा ही होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब सवालों के घेरे में ये एनकाउंटर उठ रहा है, आवाज उठ रही है, तो एनएचआरसी ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। हैदराबाद एनकाउंटर के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पल पल जो है स्थिति बदल रही है। सुबह जब खबर आई कि आरोपियों का एनकाउंटर हो गया, पूरे देश में खासकर हैदराबाद में हमने तस्वीरें देखी, जश्न का माहौल था, बैंड बज रहे थे और लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, पुलिस वालों पे फूल बरसा रहे थे, मिठाइयां खिला रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे, कंधे पर उठा रहे थे, पूरे देश की तस्वीर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिली। और हमने आपको दिखाया भी कि लोग नाचते झूमते गाते नजर आए और कहे कि ठीक किया, ठीक किया कि मार दिया, एनकाउंटर हुआ वो ठीक हुआ, भागने की कोशिश कर रहे थे तो जरूर पुलिस वालों को मारना चाहिए था। लेकिन जब मिली जुली प्रतिक्रिया आने लगी कि होना तो यही था लेकिन क्या तरीका सही था, तब यहां एनएचआरसी ने अब जाकर हैदराबाद एनकाउंटर में संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं।